तो आप सभी को स्वागत करते हैं और एक केदारनाथ सीरीज के ब्लॉग में। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोज डेली फिल्म। आज का गुड मॉर्निंग है केदारनाथ धाम से। देखो कितनी लाइन है अभी, और हमारी बारी आने वाली है, करीब आधा घंटा हो जाएगा और पीछे भी बहुत लाइन है। महादेव का दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग हैं भाई आज सुबह से। हाँ क्या दोस्तों, बोलो कुछ दोस्तों। सब लोगों की पूजा अभी खत्म हो चुकी है और बहुत ही मजा आ रहा है भाई एकदम। और एक चीज आप लोगों को मैंने कल नहीं दिखाई थी, वो है ये ड्रेस हम लोगों का। देखो भाई देखो, केदारनाथ केदारनाथ केदारनाथ, हर एक ड्रेस के ऊपर केदारनाथ केदारनाथ। हम घर से लेकर आए थे नहीं, और पीछे है पीछे 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 फ्रेंडिस्तान, ये अपने ग्रुप का नाम है फ्रेंडिस्तान। और फ्रेंडिस्तान आ गए हैं केदारनाथ धाम के पास। यहाँ पे देखो, ये भीमशिला के सामने ही पत्थर को साइज पर रख के एक के ऊपर छोटा छोटा पत्थर बना के लोग अपना विश मांग रहे हैं, जो भी भगवान केदारनाथ के लिए है। और अपना ओम भाई भी वही। वाह भाई कितना पत्थर का, तीन। हाँ सही है, पहले यही तो आया जी, यही आके लगा मंदिर के साथ, फिर दूसरी आपदा ही उधर से वो कचरे, वो तो फिर बस मतलब पानी दोनों साइड चला गया। हाँ ऐसे ऐसे पट गया, उधर से उधर, इधर से इधर, जितना इधर था वो गया, जितना इधर था वो गया, और बाबा केदार खड़े बच गया। तो चमत्कार को नमस्कार है जी। हाँ। अगर ये चीज ना दिखाता तो केदारनाथ को कौन मानता जी। हाँ। इतनी दुनिया कैसे आती मंदिर में उस टाइम पे, तो लोग रहे होंगे लोग बहुत, जैसे ये आबादी अब अभी तो कोरोना करके कम है, पहले तो कोरोना प्रोना था नहीं। हाँ। तो यहाँ पे 1.5 लाख यात्रियों की एंट्री थी नीचे से, वो कार्ड सा बनाते हैं ना, उनपे एंट्री होती है सब, कितने यात्री पास हो गए ऊपर। हाँ, वही होता है ना। और 15,000 घोड़ा था, और कम से कम 50,000 गाड़ी होगी, और रामबाड़ा जो था नीचे सब खत्म, सब गए, सब पत्थरों के नीचे आ गए। ये कौन सा खोदा है,
इसके ऊपर ही बनाए गए हैं, इसके नीचे लाशें हैं, दबरियां, सारा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी, ये ऊपर से ही बनाया है इसके, वो देखो इसके ऊपर ही काम चल रहा है, खोद खदैया नहीं है। हाँ गया जी मंदिर में पानी, पिंडी तक गया पानी, और जो पुजारी मेन था ना वो घंटा पकड़ के ऊपर चढ़ गया था, हाँ ऊपर चढ़ गया था, सिरे पे बैठ गया, तो उसके नीचे से लाशें घूम घूम जा रही थी, तो मिलिट्री वालों ने इकट्ठी की यहाँ के पुजारी को, मिलिट्री वालों ने उतारा। कितने दिन रहे थे यहाँ? कम से कम वही 1.5 दिन रहे जी, फिर उसके बाद आर्मी आ गई, ये कमांडो फोर्स, फिर इन्होंने किया बचाव किया, कोई कोई वहाँ फंस रहा उस पहाड़ी पे, कोई उस पहाड़ी पे, तो ठंड से ही मर गए सारे, आसन बासन भी गए, बारिश जोरों की चल रही है, बर्फ गिर रही है, कहाँ भाग गए सब खत्म। ये जब पांडव जुए में सारा कुछ हार गए थे ना, इनको बनवास लेना पड़ा जंगलों में, जब जुआ खेल रहे थे ये, देखा होगा आपने, तो सारा कुछ हार गए, तो एंड इनका भोलेनाथ था, भी भोले को पाना है, वही उधार करेगा। तो पहले उन्होंने गुप्त काशी में भोले को देखा, वहाँ से भोलेनाथ अलोप हो गए, और इसलिए उसका नाम पड़ गया गुप्त काशी, गुप्त हो गए। तो वहाँ से नंदी बन के वो जोटे का रूप लेके इधर आ गए, नंदी का रूप ले गए, और वो 5 पांडवों में से भीम ने पहचान लिया उसको, भी ये भोलानाथ है। तो जैसे ही वो जमीन में घुसने लगे, उसने कुंजड़ पकड़ ली पीछे से, तो उसकी धड़ है यहाँ पे, और इसकी मुंडी निकली पशुपतिनाथ, नेपाल काठमांडू में। हाँ जी, काठमांडू में यहाँ पीठ की पूजा होती है, वो काठमांडू पशुपतिनाथ निकली मुंडी, सिर वहाँ है जहाँ धड़ है, वो ये धड़ है। तो बाबा ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है आपदा के टाइम का, और 2013 में जो फ्लड हुआ उसका भी, और मंदिर का जो स्थापना जैसे हुई उसका भी। तो बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के, बहुत ही हिस्ट्री रिलेट है ये इस मंदिर में, करीब 8th सेंचुरी में बना था ये मंदिर, पांडवों ने बनाया था, और 3538 मीटर हाइट, मतलब लगभग लगभग 12,000 फीट ऊपर है ये मंदिर केदारनाथ। और भारत वर्ष के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो, उनमें से ये सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है, और ये 4 धाम है उत्तराखंड का, जो 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो ये सर्वश्रेष्ठ है 4 धामों में। तो ऐसे एक प्लेस में विजिट करके भाई हमें बहुत ही खुशी तो आ रही है, उसके साथ बहुत ही प्राउड भी फील हो रहा है कि हम सोच रहे थे हम कभी जे कभी केदारनाथ जाएंगे, और आज केदारनाथ के पास खड़े हैं, पीछे केदारनाथ धाम है। मेरे नज़रिए से मैंने बहुत ट्राई की आपको डिटेल में दिखाने की, आपको भी अच्छा लगा होगा, तो लगा है तो लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना जय केदार। ठीक है, चलो अभी आगे जाने का क्या प्लान है वो बाद में बताते हैं, पहले तो भैरवनाथ जी जाने का प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन सोच रहे हैं कि नीचे चले जाएँ, तो देखते हैं, कुछ फिक्स नहीं है, हो सके तो जा सकते हैं, हो सके तो नहीं भी जा सकते हैं, तो जो भी है अपडेट हम है आपको देता रहूँगा। तो भैरवनाथ मंदिर जाने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हुआ है, और अभी हम केदार धाम के नीचे हैं, और लास्ट दर्शन है ये केदारनाथ धाम का, और अभी हम रिटर्न कर जाएंगे सोनप्रयाग की, और वैसे ही पैदल यात्रा होगी, जिस तरफ से आए थे उसी तरफ से ही जाएंगे, और जो जो चीज़ मेरे से मिस हुआ था आने के टाइम पर वो सब रिटर्न टाइम के आपको दिखाऊँगा। तो ये लास्ट टाइम आप भी देख लो केदार बाबा का, केदार धाम को, फिर आएंगे बाबा, फिर कभी ज़रूर आएंगे, अभी तो अलविदा यहाँ से केदार बाबा के धाम से, नीचे चलेंगे सोनप्रयाग को।
बोलबम का नारा है, ए बोलबम का नारा है, भोले बाबा का सहारा है, एक दो तीन चार भोले बाबा की जय जयकार, पाँच पाँच छः सात भोले बाबा अमर सा बोलबम। चलो चलो चलो, शॉर्टकट शॉर्टकट, ये है एक लंबा रास्ता, तो हेमानंद हम सबको लेके जा रहा है ये शॉर्टकट में, जो कि बहुत ही डिस्टेंस कट जाएगी। देखो ये दूर से ना, ये जो रास्ता है हम लोग जाएंगे ऐसे सीधे, सीधा रास्ता है, लेकिन नीचे जाने का थोड़ा डेंजर स्टेप हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आराम से हम शॉर्टकट मार के नीचे चले जाएंगे। हालांकि इस रास्ते से बहुत टाइम बच जाएगा आपका और डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई। अगर आप केदारनाथ से नीचे आ रहे हो तो सही है, क्योंकि 70% आपका नीचे ही जाएगा, 30% आप चढ़ाई करोगे, लेकिन आप केदारनाथ जाने के लिए जा रहे हो तो भाई एकदम टफेस्ट रोड कह सकता हूँ मैं इस रूट का। 70% आपको एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़नी होगी सीधा ऊपर, जिससे आपका एनर्जी भी बहुत वेस्ट होगा और आपको खुद को मतलब बहुत ही कंसंट्रेट करके पैर रखनी होगी, क्योंकि हल्की सी भी आप इनबैलेंस हो गए ना तो कुछ भी हो सकता है। तो उतर रहे हो तो सही है, लेकिन जाते समय भाई बहुत डिफ़िकल्ट है। हमने करीब कवर कर लिया है, अब जो थोड़ी सी 30% चढ़ाई है वो बाकी है, नीचे तो हम उतर चुके हैं और इतना एनर्जी हमारा ख़त्म हुआ नहीं, हालांकि पैर पे थोड़ा प्रेशर हो रहा है, पूरे बॉडी का प्रेशर पैर पे आ रहा है, एनर्जी एकदम फुल है, कोई भी थकान नहीं, थोड़ा सांस तो फूलेगा ही भाई, पहाड़ के अंदर चढ़ना उतरना तो फूलता है, लेकिन जोश बरकरार है सभी के मन में। देखो अभी बैठ गए हैं, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, पाँच मिनट रेस्ट, उसके बाद चढ़ान है ना, चढ़ान है फिर आगे, पाँच मिनट रेस्ट उसके बाद चढ़ान है। चलो भाई चलो, जाना नहीं है क्या? चलो देखो कैसे जोश आ गया, चलो 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 चलो, रुकना नहीं है, चलो आगे बढ़ते चलो। जय महादेव, जय महादेव, जय शिव शंभु। तो ये है सोन प्रयाग और पहुंच गए हम लोग सब केदारनाथ बाबा का आशीर्वाद लेके, सही सलामत पैदल गए थे, पैदल ही लौट आए, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे सही सलामत, बाकी दो दोस्त आ गए पता नहीं, हम लोग ही पांच हैं, तो प्लान अभी ये हो रहा है कि यहाँ से चले जाएंगे सीतापुर, आज यहाँ पे रहने का कोई प्लान नहीं है, सीतापुर जाएंगे और कल से एक नई जर्नी, नई जगह, नए प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो इस ब्लॉग को मैं भी यहाँ पे रख देता हूँ, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जय केदार बोल देना, और जो लोग भी नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो बोलो क्या, जय केदार, जय केदार, जय केदार, जय केदार, जय केदार।